देश में अमन और भाईचारे का अलख जगाने के लिए भारत भ्रमण पर निकली जयदीप चक्रवर्ती और मोहम्मद इरफान सिद्दीकी की 6 सदस्यीय साइकिलिस्ट टीम लेह से मंडी पहुंच गई है। ये सभी साइकिलिस्ट अभी तक लगभग 12,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय कर चुके हैं और अभी 13,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। मंडी जिला के बाद सभी साइकिलिस्ट उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। इसके बाद गुजरात, मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के उपरांत उड़ीसा होते हुए कोलकाता अपने घर पहुंच जाएंगे। इससे पूर्व ये सभी साइकिलिस्ट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए जम्मू और कश्मीर, लेह से अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला पहुंचे हैं। साइकिलिस्ट जयदीप चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा के पीछे उनका मुख्य संदेश देश में अमन और भाईचारे को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में फैली हुई हिंदू मुस्लिम सहित अन्य सांप्रदायिक लड़ाई खत्म कर देश में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देना है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। तो नमस्ते, मेरा नाम है जयदीप चक्रवर्ती और ये मेरा पार्टनर है इरफान सिद्दीकी। तो हम लोग कलकत्ता से ये साइकिल टूर निकले थे, पहले आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, अभी है हिमाचल। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य जो था वो है कि एकता और शांति, मतलब ये है मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, मतलब मोहम्मदन, और मैं हूँ जयदीप चक्रवर्ती, मैं हूँ हिंदू ब्राह्मण। तो हम लोग का चलने का मकसद यही था कि भाई ये दुनिया देखे, ये इंडिया सब देखे, भाई हम लोग अगर एक साथ 6 महीना मतलब एक साथ रह सकते हैं, मतलब ये धर्म जो है ये लेके कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, और शांति और अमन हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब सब शांति में रहे और सब जब बाहर निकले सब अपने इंसानियत से पेश आए और सब जगह शांति और अमन बजाय थे। अब आगे का प्लान है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद जाएंगे गुजरात, मुंबई, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब घूम के फिर उड़ीसा होके हम लोग जाएंगे। मेरा घर है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। लगभग अभी तक 10,000 के ऊपर ही होगा, 11,000-12,000 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं। अभी भी हम लोगों को 12-13,000 चलना है, मतलब हम लोग को 16 स्टेट हो गया है, तो अभी भी 14-15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है हम लोग सभी सब जगह जाएंगे और सब आदमी को उत्साहित करेंगे कि भाई ये जो प्रकृति है इसको बचाए, पेड़ लगाए, पानी बचाए, प्लास्टिक ना यूज़ करे, प्रकृति से मतलब जिससे प्रकृति के नुकसान हो वो सब यूज़ ना करे। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।